मतलब उसके अंदर फ्यूजन कंटिन्यूसली होते जाते हैं अगर अपन देखें कि मान लो 92 यूरेनियम 238 है अपने पास ठीक है या 235 जो भी है आपने क्या किया इस पे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन मारा तो ये उसके डॉटन न्यूक्लियस में टूट जाएगा जीनोन और वाई के अंदर मान लेते हैं टूट गया ये है ना जीनोन और वाई के अंदर टूट गया प्लस कितने न्यूट्रॉन्स निकालता है तीन न्यूट्रॉन निकालता है अब ये एक एटम था नाइनटी टू यूरियम का कितना था एक एटम था लेकिन अगर हम किसी गिवन मास में बात करें तो उसमें तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ठीक है तो अब ये देखो पहले तो एक ही न्यूट्रॉन रिएक्शन कर रहा था अब कितने हो जाएंगे तीन न्यूट्रॉन और हो जाएंगे अब ये तीन न्यूट्रॉन जो हैं वो आके तीन एटम को पेनिट्रेट करेंगे तीन पेनिट्रेट करेंगे तो हर एक से तीन न्यूट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे तीन 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 यानी कि नाइन तीन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन फिर ट्वेंटी सेवन एटम से करेगा

इट is 238 gram of ग्राम ऑफ the number नंबर ऑफ na so 1 सो वन ग्राम हैज of ऑफ by 1 238 na by of 238 gram ए so, बाई टू ग्राम तो चलो इतने सारे आपके पास क्या हो जाएंगे ना ए तो आप जानते ही हो ना क्या होता है सिक्स इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई टू थर्टीज अमाउंट वन ग्राम के अंदर तो so, इतने फिजन पॉसिबल है तो अब अगर तीन न्यूट्रॉन फर्दर तीन को करें तो अवेलेबल है फ्यूजन तीन हाँ क्योंकि एटम्स है हमारे पास तो फिर तीन से ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी और ऐसे अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाती है सो हम बोलेंगे दैट इज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दैट इज राइट आंसर क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर